हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए मॉक टेस्ट अभ्यास के बारे में। जो सीयूईटी प्रवेश परीक्षा है उसके अभ्यास के लिए एनटीए के द्वारा जो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में आपको, जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा, फिल किया होगा, तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज च्वाइस की होगी। तो भाषा से हम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कैसे लेवल होगा क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। इसमें मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं फ्री एनटीए के द्वारा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एनटीए मॉक टेस्ट अभ्यास सीयूईटी 2022 हिंदी। तो हम हिंदी लैंग्वेज का देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या, तो इसमें गद्यांश दिया है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो आपको ये गद्यांश रीड करना होगा, पढ़ना होगा, फिर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी आंसर आप देंगे। तो ये हम देखने वाले हैं पढ़ के इसमें क्या देते हैं। और जैसे कि ये हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश में जो लैंग्वेज होगी उसमें अभी पैसेज दिए होंगे, वो रीड करके आपको उसमें से आंसर ढूंढने होंगे। जो पैसेज होगा, गद्यांश होगा, उसी में ही आपको आंसर दिए होते हैं। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ी होगी, अपने सीबीएसई स्कूल से आप पढ़े होंगे, तो आपको 7th-8th क्लास से ही ये पैसेज गद्यांश पेपर में पूछे जाने लगते हैं। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपको 9th-10th क्लास से पैसेज पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको ये पता होगा, आपको इसका अभ्यास होगा। लेकिन हम इसमें जो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं वो आपके रिवीजन के लिए हैं, अभ्यास के लिए हैं, आपकी अच्छी तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए हैं। तो आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, कितने टाइम में, इसमें टाइम लिमिट भी होती है, इसमें 45 क्वेश्चन, तो इसमें सभी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे क्या सॉल्व करना है, टाइम कितना एक क्वेश्चन के लिए देना है, तो ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50 प्रश्न हैं, प्रश्न पैलेट पे आप देख पा रहे होंगे तो 50 टोटल जो प्रश्न हैं 50 हैं, और 45 मिनट्स का समय दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो हम पढ़ते हैं इसमें, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो पढ़ लेते हैं ये, फिर तभी तो हमें आंसर देखने को मिलेंगे क्या सही है। तो एक बार वाराणसी जाने का अवसर मिला, अपना काम समाप्त कर लेने के बाद इच्छा हुई कि संत कबीर का आश्रम देखा जाए। मध्यकाल के इस महान संत का भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं इनके स्थान को देखने के लिए रिक्शे में बैठकर कबीर चौरा के आश्रम के लिए चल दिया। कई सकरी गलियों को पार करता हुआ आश्रम तक पहुँच ही गया। आश्रम के आसपास भीड़ भाड़ की हालत देखकर मुझे लगा कि पहले इस आश्रम का स्थान निश्चित ही खुला रहा होगा, पर अब तो यह घनी बस्ती से घिर गया है। आश्रम में प्रवेश करते ही मन में विशेष तरह की पवित्रता का भाव जागृत सा हो गया। एक और गेरुआ वस्त्र पहने हुए अंधेड़ व्यक्ति खंजड़ी बजाते हुए कबीर का पद बड़ी तन्मयता से गा रहा था। आश्रम यद्यपि साधारणी बना है पर मन पर प्रभाव डालता है, इसलिए आश्रम में प्रवेश करते ही कबीर की महानता परिभाषित हो उठी। तो अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ें, और लैंग्वेज सभी के लिए पूछी जाएगी। अगर साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट्स स्टूडेंट हैं, सभी के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। तो सभी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। यद्यपि महानता परिभाषित हो उठी, आश्रम के एक कोने पर रुद्राक्ष की बड़े बड़े मानकों वाली एक बड़ी माला देखने को मिली। मुझको बताया गया कि कबीरदास जी इसी माला से जाप करते थे। यह कहना तो कठिन है कि कबीर माला जापते थे या नहीं, उन्होंने तो स्वयं कहा भी था कि बाहर माला जपने के बजाय अपने मन की माला को जपना चाहिए, परंतु वहाँ के लोगों ने बताया कि यह वही माला है जिसको कबीर अपने पास रखते हैं। वैसे भी कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वय था, साथ ही वह हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, संत भी थे और गृहस्थ भी थे। वस्तुतः
वे कवि और समाज सुधारक दोनों थे और समाज के विभिन्न वर्गों में एकता उत्पन्न करने वाले उपदेशक भी। उन्होंने स्वयं कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया, पर आज हजारों व्यक्ति स्वयं को कबीरपंथी कहने में वर्ग गर्व का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कबीर अपने समय के संतों में अलग स्थान रखते हैं। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इसकी पुष्टि प्रमाण नहीं है, परंतु यह साफ पता चलता है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि नीरू नामक काशी के किसी जुलाहे ने एक नवजात शिशु को तालाब के किनारे पाया था। नीरू की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः वह उस बालक को अपने घर ले आया, जिसका नाम वे आगे चलकर संत कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको समय का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो मैंने सबके लिए पढ़ के बताया, तो धीरे धीरे पढ़ा है, लेकिन आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा इसमें। तो जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं पढ़ के। लेखक को लगा कि माला उनकी नहीं हो सकती क्योंकि, तो आपको भी इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं तो पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा आंसर सही है। लेखक को लगा कि माला उनकी नहीं हो सकती। ऑप्शन वन, माला बहुत पुरानी नहीं थी, माला किसी और के हाथ में थी, कबीर माला जपने का विरोध करते थे, माला केवल हिंदू जपते थे। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से आप कमेंट करें। इसमें राइट ऑप्शन होगा थर्ड, कबीर माला जपने का विरोध करते थे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। तो कैसे हमें आंसर में टिक करना है, आप देख पा रहे हो, तो थर्ड नंबर का एक ऑप्शन आपको भरना है और सहेजें और अंगला, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रीन हो गया, तो ये हमने क्वेश्चन फिल कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 49 जो क्वेश्चन है नहीं देखा गया और उत्तर जो हमने एक उत्तर दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि गद्यांश से इसमें हर एक गद्यांश में से 5 क्वेश्चन बनेंगे, एक ही गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अगला गद्यांश होगा उसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर देंगे। लेखक को लगा कि आश्रम का स्थान पहले खुला रहा होगा क्योंकि, तो क्यों लगा उन्हें, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। उन्हें लगता था कि आश्रम खुले हुए होते हैं, अब आश्रम के आसपास सकरी गलियां थीं, कबीर को खुली जगह पसंद थी, सब आश्रम खुली जगह वाले ही होते हैं, तो क्यों लगा इसमें आप देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए, आपको भी पढ़ा था आपने गद्यांश, तो अब आश्रम के आसपास सक्रिय गलियां थीं, तो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकें, गलत ना हो, क्योंकि मार्क्स आपको ऐसे हिंदी लैंग्वेज जो सरल है आपको, तो इसमें आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा चांस होगा। जो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो गद्यांश आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन एक ही गद्यांश से पूछे जाएंगे, तो बार बार गद्यांश पढ़ने में समय व्यर्थ ना गवाएं, हम सीधे आंसर पे चलेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे बारिश का मौसम है इसके कारण नेट स्लो, सर्वर डाउन, ये सर्वर से भी चलता है तो सर्वर डाउन भी हो सकते हैं। तो इसमें अभी क्वेश्चन नहीं खुला है थर्ड, केवल गद्यांश देख पा रहे हैं। हाँ, तो अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो शो होने लगा है, तो हम देख लेते हैं। कबीर का आश्रम देखने की इच्छा जागृत हो गई क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन देख पाए, आश्रम की बहुत प्रशंसा सुनी थी, किसी संत से मिलना चाहते थे, कबीर की माला देखना चाहते थे, उनका काम समाप्त हो गया था। तो इसमें गद्यांश में तो बताया गया उनका काम समाप्त हो गया था, तो वो कबीरदास के आश्रम गए थे देखने, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम लगाएंगे, उनका काम समाप्त हो गया था, तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन के आंसर देना है जो सभी राइट हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। तो फोर्थ प्रश्न संख्या 4 आप देख पा रहे होंगे, तो धीरे धीरे ये शो होने लगेगा, तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे।
और नेट स्लो चलने की वजह से हम अगली वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे आगे के। इस गद्यांश के हम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क पूरे हैं बट बारिश का मौसम है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आप देख पा रहे हैं, कबीर केवल समाज सुधारक थे, कबीर संत और प्रचारक थे, कबीर संत और गृहस्थ दोनों थे। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, कबीर संत और गृहस्थ दोनों थे, हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था। तो थर्ड ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे और सहेजें और अगला पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो शो होने लगा है। तो बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी से बेहतर करें। कम समय बचा हुआ है तो आप अपनी तैयारी करें, और जिसने जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी तो बुक भी खरीद सकते हैं। कम समय बचा हुआ है तो उससे आप जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें थ्योरी नहीं है, जो आईएमपी क्वेश्चन है वही दिए गए हैं। तो आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, आश्रम में प्रवेश करते ही, तो आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें कैसे लगा था, उन्हें एक संत दिखाई दिए, कबीर की महानता परिभाषित हो गई। तो यही राइट आंसर है, कबीर की महानता परिभाषित हो गई थी। तो सेकंड ऑप्शन पे ट्रिक कर लगाएंगे। तो एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके बाद अगला नेक्स्ट गद्यांश होगा उससे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।